मैं अब आप सब लोगों से कॉमन सवाल होगा, ठीक है, पहले माओ से एंड देन उसके बाद फिर बच्चियों से, बच्चों से मतलब सॉरी बच्चियों कोई नहीं आज मैं ही यहाँ पे रजिया आज गुंडों में फंस गई है ओके पहली दफा अपने बच्चे को हाथ में लेकर क्या ख्याल आया, कैसी फीलिंग्स थी पहली दफा जब ये बड़ी है ना तो यही आई होगी ना, मुझे वो फीलिंग अभी तक याद है। हाँ सी दिस चाइल्ड इज माइन। हाँ सी ये एक जो ओनरशिप का होता है ना कि बाप को मैंने माइनस कर दिया। हाँ ठीक है कि ये मेरी मेरी है ये मेरी चीज है माय क्रिएशन इन अ वे और बेचारे बाप का कोई अमल दखल नहीं था। नहीं उसमें कोई ख्याल नहीं था, उसको सिर्फ ये था कि ये शी इज माय। हाँ इसी ये वो ख्याल आता है उस वक्त। आई थिंक ये हर माँ बाप का है। हाँ मतलब हर माँ का, हर माँ का है कि ये बच्चा मेरा है। उस वक्त बाप सब माइनस हो जाते हैं। हाँ। ससुराल ससुराल सब माइनस, सबसे ज्यादा इस पे हक मेरा है। हाँ है ना। हाँ माशाल्लाह 8-9 pounds की थी और बहुत खूबसूरत बच्ची जैसे होते हैं, हाथ इसके इतने बड़े बड़े माशाल्लाह, पैर मतलब जैसे एक नॉर्मल न्यू बॉर्न बच्ची होती है उस तरह की लगी नहीं रही थी बिल्कुल। तो सब ये कहते थे कितनी प्यारी बच्ची हुई है। तो वो भी एहसास था कि किसी ने रिश्ता तो नहीं दे दिया खाला को, सुनो ये मेरे बेटे के लिए रख लो। उसके हाथ पकड़ के देखती थी, कभी पैर देखती थी, कभी कुछ देखती थी। तो उस एहसास को तो कोई बयान ही नहीं कर सकता जो एक माँ के दिल में होता है कि पहली बच्ची जब आपकी गोद में आई है। और उस वक्त कितना मजा आता है, हम अपने बच्चों के पैर पे प्यार कर रहे हैं, सुकून मिलता है, वो सो रहा है तो उसके पैर पे प्यार कर रहे हैं, चूम रहे हैं, कहीं हाथ चूम रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बस यही एहसास। अच्छा बच्चे का एसेंट ही डिफरेंट होता है जो माँ सूंघती है ना, इवन उसके मुंह के पास मुंह भी लेके जाती है तो उसकी जो सांस की स्मेल आती है दैट रियली सूथ्स यू। बस कर दे, मैं फिर दोबारा ने इसको सोचने लगा कि चौथा भी कर। अच्छा मुझे बड़ी क्रेविंग होती है, मैं हमेशा मेरे मेरी गोद में कभी भी किसी का बच्चा आता है ना, मैं आई ट्राई टू स्मेल दैट चाइल्ड, उसके मुंह के पास जाके ना उसकी सांस को स्मेल करने की कोशिश करती हूँ, मगर वो चीज नहीं आती जो मेरी औलाद में से थी, वो स्मेल वो सुकून नहीं। आई डोंट नो, माँ बनने के बाद दूसरों के भी बच्चे होते हैं ना तो आपकी ममता कुछ ज्यादा फड़कती है। सही बात, मतलब लाइक मेरी बहन का पहला बच्चा पैदा हुआ और उसको देख के मेरी ममता इतनी फड़की कि मेरा तीसरा बच्चा पैदा हुआ। मैंने कहा यार मुझे क्रेविंग हो रही है तुम्हारे बच्चे। अच्छा अब मुझे जो है ना, मुझे ये होता है कि फील होता है कि शायद जो मेरे बच्चों के बच्चे होंगे शायद वो फीलिंग मुझे उन बच्चों से आए, शायद बिल्कुल और ज्यादा आएगी मुझे लगता है। हाँ क्योंकि अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आई कांट से एनीथिंग। यस यस। हाँ जी यही सवाल आपसे, जब पहली दफा ये सज्जाद जो अब इतने माशाल्लाह बड़े गबरू जवान हो गए ये आपकी गोद में, अल्हम्दुलिल्लाह एक वाकई बहुत ही डिफरेंट सी फीलिंग होती है। और उसको देख के मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, इसके बहुत घने से बाल थे ओए ओए। और मैं डेनमार्क थी तब। अच्छा। और हमारे साथ जिस वक्त जितने भी थे बाकी तो हाँ। बच्चों के इतने बाल होते भी नहीं होते। हाँ। और इसके काले बहुत ज़्यादा ओए। और काफ़ी घने बाल तो वो बहुत ज्यादा, वो आके इसकी पिक्चर्स लें कि ये कितने प्यारे बाल हैं। उनसे मुझे ज्यादा आपकी फैमिली में अच्छे थे? हाँ जी मेरे। तुम क्यों शर्मा रहे बाल क्या? नहीं मैं बस नहीं नहीं। और माशाल्लाह था भी बहुत सेहतमंद। हाँ। बहुत क्यूट, बहुत प्यारा। हाँ। हेल्दी में बहुत था। बहुत हेल्दी माशाल्लाह, तकरीबन 10-11 pounds का। ओए होए होए होए, मतलब कह सकते हैं कि 11 साल से पहले तक मैं बहुत क्यूट बच्चा था। मतलब उसके बाद नहीं, उसके बाद एक बहुत बुरा वक्त गुजरा टीनेज का, अगले 10 साल जो थे ना बहुत मुश्किल गुजरे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी मोड पे। अच्छा उस टीनेज में लड़कियां बड़ी प्यारी होती हैं, लड़कों को पता नहीं क्या हो जाता है, पता नहीं क्या मुझे आ रही होती है, समझ नहीं आती ये क्या, कितना अल्लाह ताला ने वैसे अनफेयर। जब ये छोटा था काफी माशाल्लाह सेहतमंद क्यूट, तो मेरे इधर आती है पहले ड्रामों में आती थी शनासे। हाँ, हाँ। तो वो मेरी हस्बैंड की ना कजन की बहू है। अच्छा। तो वो उनके हस्बैंड बहुत के हैं सीरत के, आप ना इसको क्यों नहीं मॉडलिंग करवाती हैं आप, छोटा सा है मॉडल। हाँ। मेरे हस्बैंड तब बैंक में थे, मैं खुद भी काफी ज्यादा इस तरह था ही नहीं, कोई ना शौक ना कोई इंटरेस्ट। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब मैं सोचती हूँ
था करवा लेते अब्बा को शेव करते देख के कभी बचपन में दिल नहीं किया मैं भी शेव करूँ और उनका वो लगा नहीं, नहीं, मैं बहुत क्या उसे कहते हैं बहुत ही एक मुहतात बच्चा शरीफ बच्चा पैदा हो गया था हाँ जी मैं डेनमार्क हूँ अगर मैंने आना है वापस तो मैं पैकिंग कर रही हूँ तो मैंने इसको सोफे पे बिठा दिया और बैठा हुआ है अम्मी मेरी डांट रही है दफा हो जा उसको गिर जाएगा मैं कहती थी अम्मा ये नहीं गिरेगा इसने नहीं उतरना और यही दो घंटे बाद आकर मैं इसको कहती थी आजा मेरा बेटा नीचे चल ये खेलता नहीं था इंसान ये कभी बचपन में अभी भी ऐसा नहीं है अब ऐसा नहीं है लेकिन नहीं जैसे होता है ना जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ नहीं वो ला देगा बचपन में कोई वाकया कोई चोट इसको नहीं ना कोई सीढ़ियों से गिरा है तुम्हारे फिर से सेल डाउन अभी भी है मैं तो कह रहा हूँ अभी भी टीवी पे कुछ भी लगा दो ना मैं तीन चार घंटे और जब इसके पेपर्स होने होते थे बस एक ही काम मैं उसको रिमोट छुपा देती थी मैं कहती ना इसने उठना है ना इसने ढूंढना है लेकिन वो उस तरह के मैं क्या उठूं क्या ढूंढूं कौन करे कौन मशक्कत एक्टिंग सबसे मशक्कत वाला मॉर्निंग शो देखू ना देखू वो जरूर देखते नहीं था वो कहते हैं ये इतनी मेहनत करती हैं आप देखिए मैं दो ढाई घंटे मैं थक जाता हूँ लेकिन वो लगी रहती सबसे मुश्किल पार्ट है सुबह उठना रात में जल्दी सोना जब तक आप रात में जल्दी नहीं सोएंगे खाना खा के फिर जल्दी सो के तो वो एक पूरा प्रोसेस है जो हर बंदा नहीं कर सकता तुम बताओ तुम्हारे हालत में जब ये आई पहली मेरा बड़ा डिफरेंट है इसकी पर्ल्स ड्रॉप हो गई थी तो उसको फौरन ले गए मुझे तो मेरा बेबी कैसा है मुझे दिखाए हाँ। तो लाए तो ये जोर जोर से रो रही थी अच्छा चीख के रो रही थी तो मैंने गोद में लिया मैंने कहा ठीक है ले जाए ऐसे हाँ। ये था मेरा तो तुम छोटी थी मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कहा तो चीख चीख के रो रही है जोर जोर से रो रही थी तो मैंने कहा ठीक है सही है ले जाए आप ही लग मैंने कहा मेरी खैर है इंशाल्लाह ताला रहम करे मुझ पे अम्मी ने कहा कि इसको डॉक्टर को दिखाओ जाके मैंने कहा अच्छा मैं लेके गई गाड़ी स्टार्ट की बाजी चुप हो गई ये गाड़ी वाली बच्ची थी ना उस वक्त पता चला कि जब भी रोए जाके गाड़ी में रखो गाड़ी स्टार्ट कर दो खामोश हो जाए ये भी इस तरह नहीं इसको तो जब पैदा हुई ना इसको सोने का था ये इसको उठाते थे कि खुदा के लिए दूध तो इसको पिलाते हैं ये सुबह से रात हो गई ये सो रही है सोती रहती थी इसने कभी आज तक तंग नहीं किया बिल्कुल हाँ ये सोती रहती थी इसको उठाते थे ये भी सोता ही रहता था।